बाकी। आज रानीवाड़ा संघ समिति के बैनर तले तागमाला ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ठाकुर महेंद्र सिंह जी साहब, गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सरपंच साहब पूर्व गांग स्वाम जी, आज धरने का 12वां दिन है और ये 5वीं या 6ठी बार मैं धरने में आया हूं। अभी जैसे ठाकुर साहब ने फरमाया कि कभी भी गांव से आते जाते रानीवाड़ा में कोई काम हो, जैसे आप मंदिर जाते हो ना, अन तरीके थी अन धरना मावेन आप रो सहयोग समर्थन आप दे हो। तो अनसोम जी जो बात की थी कि सरकार कदे या नहीं चाहती कि वनौरा उनकी प्रजा या उनके लोग सड़कों पे बैठे और धरना करें, तो ये पक्की बात है कि सरकार जयपुर में बैठी बोठी रानीवाड़ा की तरफ नजर है उनकी। हमें ऑपरेव में कितनी सहनशीलता है और कितने मतलब बिना कोई हा हुल्ले शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। मैं हर ग्राम पंचायत जो पहले आई उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज कागमाला ग्रामवासी के तीनों गांव के लोग, बीलड़ है, चांदपुरा है, कागमाला है, जो सब पधारे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। और ये पहली बार है कि इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें कोई पार्टी कोई अलग नहीं है, सब एक जाजिम पे एक बात और सब मन से आ रहे हैं। क्योंकि कुछ ऊंच नीच 21-22 होता तो थोड़ा बहुत मन में रहता है, पर यहां तो एक ही बात है या दो बात, या तो यथावत हमें जालौर में रखो या भीलमाल जिला बना के हमको उसमें रख दो। सांचौर को पुनः हम आगे रोज हम बधाई देते हैं कि नया जिला बना, उनको बहुत बहुत बधाई। पर हमारे लोग रानीवाड़ा विधानसभा के लोग सांचौर में नहीं जाना चाहते, सरकार इनकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए जल्दी कोई अच्छा फैसला ले। और हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब 19 जिले बन सकते हैं तो 20 और 21 भी बन सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं रोज एक ही बात, मैं तो ये चाहता हूं कि आप में से आपके बीच में से भले हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, मारवाड़ी में बोलो, पर बे लाइन तो आवे बोल नहीं माइक मत कि भाई अतुल प्रो बोलो मोरे हाथ और कहने जानू मोरे है जो कोई ठीक है। रेल में चढ़िया तो धोनेरे गया परा अटीन गया तो भीनमाल जालौर फिर जोधपुर तक जा आटा दी सड़िया गया। हमें हाचोर रही तो हमें अभी 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 मैंने मोबाइल खोला जो आपने बात की पूर्व डीजी उनका इंटरव्यू आया है उसमें आप खुद पढ़ के देख लेना अगर मैं कुछ अलग कह रहा हूं तो। आज सब युवा हो, सबके पास नेट है, आप इंटरनेट खोल के देख लेना डीजी साहब ने क्या अपने इंटरव्यू में बोला है कि सांचौर पाठशाला क्या है। एक एक गोमती पसा पसा सब इंस्पेक्टर निकले बरा आप जादू मंत्री जन तो वह जादू वोटे सो करता ऑपरे वोटे भरवा जादू भेड़ों ने जाओ हाँ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रैकेट है, ये सरकार जाने और सरकार इस रैकेट को खोले। पहले भी इस चीजों पे आवाज विधानसभा में मुद्दे उठे हैं और मैं तो ये चाहता हूं कि बच्चों की जिंदगी उनके कैरियर के साथ नहीं खेला जाए। इस तरीके के रैकेट चल रहे हैं वहां पे कि मतलब जो बच्चे यहाँ के रानीवाड़ा नहीं पूरे राजस्थान के पढ़ पढ़ के अपना एग्जाम दे रहे हैं और उन्हें एक एक गांव की पसा पसा नहीं, मौत तो ज्यादा है पर पसा इसकी आदत क्यों है। एक गांव से 50 सब इंस्पेक्टर एक एग्जाम में निकलते हैं तो ये तो सोचने की बात है, इनकी इसकी तो जान सीबीआई से करानी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो जो इनके पीछे उठा के सालों को सबको डालो जेल में और इनकी प्रॉपर्टी सीज करो। अब हम नहीं बोल रहे हैं, ये आज का इंटरव्यू बोल रहा है और इससे पहले भी ऐसी कई चीजें आपके हमारे बीच में आ चुकी है। मैं वहां के व्यक्ति विशेष को मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा या उसके खिलाफ नहीं हूं, कौन है सरकार ढूंढ के निकाले उनसे। और ये भी है कि जब इस तरह के एग्जाम आते हैं तो अब
सरकार ने खुद ने सांचौर के अंदर सेंटर देना ही बंद कर दिया है, तो कुछ तो गलत होगा वहां, इसलिए सेंटर देना बंद किया है। तो जब वहां गलत है तो हमको क्यों गलत के साथ भेज रहे हो? हमारी तो यही मांग है, हमको सही के साथ भेज दो, ये यथावत जात है वहां रखो। इसी के साथ मैं पुनः पूरे ग्राम पंचायत कागमाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस धरने में पधारे और इसको सफल बनाने में आपका योगदान दिया।